बीमारी मच्छरों के जरिए फैलती है। इसके वायरसेस को मरीज से, डेंगू के मरीज से ले जाकर के दूसरे सेहतमंद आदमी तक पहुंचाने का काम मच्छर करते हैं। अब मच्छरों की रोकथाम जो है ये बहुत अहम हिस्सा है डेंगू की रोकथाम का। अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोगापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। आज ये डेंगू इस वक्त जो बीमारी आम हो चुकी है, इससे कैसा बचा जा सकता है, हम उनकी ज़बानें सुनेंगे। वक्त पूरे सूबे में, सूबे भर में, कर्नाटक भर में लोग इस बीमारी से खौफज़दा हैं। खासकर हमारा शहर जहाँ पर मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप ठीक बताए कि पूरे शहर में बेहिसाब मरीज इसका शिकार हैं। ये ऐसी बीमारी तो नहीं है कि इसकी रोकथाम न की जा सके। इसमें यकीनन हमारी जिम्मेदारियों को न निभाने की वजह से, हुकूमत पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने की वजह से, कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी न निभाने की वजह से ये बीमारी फैल चुकी है। इसका हमको एतराफ़ करना चाहिए। हकीकत यह है कि ये बीमारी मच्छरों के ज़रिए फैलती है। एक वायरस है जिसके ज़रिए ये बीमारी होती है। तो फिर ये वायरस जो है, एक वो मच्छर जो किसी मरीज को काटता है, वो जाकर दूसरे सेहतमंद आदमी को काटता है तो वो भी उसका शिकार हो जाता है। मच्छर यहाँ पर बीमारी फैलाने का काम करता है, न कि बीमारी मच्छर के ज़रिए आती है। तो दिखाई देने वाली चीज़ मच्छर को रोकने के लिए एहतियात क्या करनी चाहिए, उसका ख्याल हमको रखना चाहिए। अब हुकूमत की और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी गंदा पानी है, पूरे शहर भर में, शायद आपका भी मुशाहदे में बात आई होंगी कि यहाँ पर गटर्स में गंदा पानी महीनों से पड़ा पड़ा है, कोई उसके निकल जाने का, बह जाने का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कॉरपोरेशन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि सफाई पूरी तरह से शहर में हो, एक माहौल ऐसा पैदा हो जिसके नतीजे में मच्छरों के पनपने का, पलने बढ़ने का माहौल न हो। ये मुश्किल का काम है, इसमें आवाम कुछ नहीं कर सकती। अब आवाम की जिम्मेदारी है कि हुकूमत पर दबाव डाले और कॉरपोरेशन से एक काम ले, तो फिर ये हो सकता है। और अब आवाम की ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के घरों, घर के माहौल, घर के आसपास का माहौल जहाँ पर मच्छर के पनपने का, पलने बढ़ने का, फलने फूलने का मौका है, वो उसे उसकी रोकथाम का इंतज़ाम करें। कहीं भी पानी रुका हुआ पानी न रहे, मच्छर वहाँ पर अंडे देते हैं, वो बढ़ते हैं, तो वो एक बात है उसमें। और दूसरी बात यह है कि मच्छरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात आप लोगों के सामने साफ तौर पर रखना चाहता हूँ कि मच्छर शाम के बाद बेदार होते हैं, दिन भर मच्छर उड़ते भी नहीं है और काटने का इम्कान भी बहुत कम रहता है। तो जैसे ही शाम होती है मच्छर बेदार होते हैं, उठ करके वो एक्टिव होकर निकल जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में शाम होती है, ये गरीब तबके के लोग जिन जो छोटे छोटे मकानात में बहुत लोग जीते हैं, वो अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लें, अपने खिड़कियों को बंद कर लें, ताकि मच्छरों को घरों के अंदर आने से रोक लें। ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। घर के आसपास का माहौल जहाँ पर मच्छर पनपते हों, उसे पानी रुकने न दें। गमले में, टूटे हुए बर्तनों में जहाँ पर पानी रुकता है, ऐसे माहौल को, अपने घर के आसपास के माहौल को साफ सुथरा अगर रखें तो यकीनन इससे बचा जा सकता है। और बीमारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो आज शायद जैसे आप बताएं कि हॉस्पिटल्स में बेहिसाब मरीज़ हैं, और दूसरी बात अब मरीज़ का जहाँ, मर्ज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम देखते हैं कि मरीज़ जो है वो शिद्दत का तेज़ बुखार लेकर आता है, और इसके आसार की बात मैं कर रहा हूँ अभी, खाई होती है, इन हालात में डिहाइड्रेशन, इन खून में पानी की कमी आ जाती है, ये आसार जो है नज़र आते हैं मरीज़ में। इंतहाई कमज़ोरी इसके अंदर आती है, शदीद दर्द होता है पूरे बदन में, जोड़ों में, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो फिर अब तेज़ बुखार से बच्चे बहुत
ہی وہ لاغر و کمزور ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری میں یہ خرابی یہ ہے کہ اس میں خون کے سفید ذرات کم ہو جاتے ہیں اور پلیٹلیٹس خاص کر کے بہت کم ہو جاتے ہیں. اس میں یہ سفید ذرات کے کم ہونے سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، دوسرے انفیکشن ہونے کا امکان بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ یہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے اگر یہ بہت ہی کم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں کہیں سے بھی خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. خون پاخانے کے ذریعے جا سکتا ہے، خون قے میں جا سکتا ہے، خون ناک کے ذریعے بہ سکتا ہے، خون پھیپھڑے میں یا خون دماغ میں، کہیں بھی خون بلیڈنگ ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ سنے ہوں گے کہیں کہیں اکا دکا اموات بھی پیش آئے ہیں. تو اسے روکنے کے لیے جب پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں تو پلیٹلیٹس دینا ایک ہی اس کا علاج ہے. اس کے لیے خاص کر اسی بیماری کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، صرف ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. خون میں پانی کم ہو گیا تو پانی کو پورا کرنے کے لیے آئی وی گلوکوز وغیرہ دیتے ہیں، اچھی غذا دیتے ہیں، بخار کم ہونے کی دوائیاں دیتے ہیں، بس اتنا ہے اس کا. اس سے ہٹ کر اس طرح کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اور بدترین شکل اس کی یہ ہے کہ اس میں پلیٹلیٹس دینا پڑتا ہے. گھبرانے کی ویسی بات تو بالکل نہیں ہے، اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے. اور یہ خود جو ہے اپنے کچھ دو چار دنوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے، مریض صحت مند بھی ہو جاتا ہے. لاپرواہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے.